कोरोना ठीक होने के बाद अगर आपको कोरोना जैसे लक्षण दिखते हैं तो आपको लॉन्ग कोविड हो सकता है। कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कई मरीज में एक्यूट पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो सकते हैं, जिसे लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर को कोरोना वायरस ने कितना अटैक किया है। जिन लोगों पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर हुआ उनको लॉन्ग कोविड होने के चांस ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्टडीज की माने तो हल्के लक्षणों वाले कोविड-19 के करीब 50% मरीज ऐसे हैं जिनमें संक्रमण ठीक होने के बाद यानी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। ऐसे मरीजों में करीब 6 महीने तक कोरोना से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत बनी रहती है। इसे ही लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिंड्रोम नाम दिया गया है। कई रिसर्च का ये सुझाव है कि कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले मरीज आमतौर पर संक्रमित होने के 1 से 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। वहीं गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को ठीक होने में 6 से 7 हफ्ते का समय लगता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट की माने तो कोविड-19 से रिकवर होने के बाद यानी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अगर उनमें हल्की खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में परेशानी या स्वाद और सुगंध महसूस न होने जैसी दिक्कतें देखने को मिले तो इसे ही लॉन्ग कोविड कहा जाता है। TOI के रिपोर्ट के अनुसार CDC के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जॉन ब्रूक्स का मानना है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभी भी लॉन्ग कोविड को अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं। डॉक्टर के अनुसार अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। क्या है लॉन्ग कोविड के लक्षण, चलिए आपको बताते हैं। कोरोना के ठीक होने के बाद कई बार 1 महीने तक सर्दी और खांसी सी बनी रहती है। खासतौर पर सर्दी तो नहीं लेकिन खांसी महीनों परेशान करती है। अगर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के महीने भर बाद भी आपको खांसी है तो आपको लॉन्ग कोविड है यानी वायरस का असर शरीर में बचा हुआ है। ऐसे में खांसी को नजरअंदाज ना करें। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान सिर दर्द और शरीर में थकान बनी रहती है, लेकिन कई बार कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के कई हफ्ते बाद भी मरीज को सिर दर्द या शरीर में दर्द और थकान महसूस होती है। दरअसल इस दौरान शरीर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार कर रहा होता है। इतना ही नहीं, इससे आपके शरीर में दर्द भी होता है और शरीर के कई हिस्सों में तनाव महसूस होता है। मगर रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके इन लक्षणों में सुधार हो सकता है। अगर ज्यादा सिर दर्द या थकान रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर कुछ मल्टीविटामिन या दूसरी दवाई दे सकते हैं और कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं। कोविड-19 रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी बीमारी है, तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक मरीजों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार रिकवर होने के बाद भी मरीजों के गले में खराश, गले में दर्द या आवाज भारी होने जैसी दिक्कतें भी कई हफ्तों तक बनी रहती है। रिपोर्ट्स की माने तो कोविड-19 का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक डायरिया की समस्या बनी रह सकती है।